गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाफिजुर गुड इवनिंग विद्युत गुड इवनिंग कैसर रजा गुड इवनिंग आदिल हसन वेरी गुड इवनिंग सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टेंथ टेस्ट ऑफ ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज टॉपिक टेस्ट सीरीज़ है ये और ये इस मिशन के तहत है डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको और पढ़ने का अधिकार भी सबको ये विजन है हमारे मैंटोर डॉक्टर एस सिंह सर का सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ज्वाइन फर्स्ट ईच एंड ऑल ईच एंड एवरी वन यस चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फर्स्ट हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर ऑफ एनजाई यहां पर एक्टिवेटर दिया हुआ है और करेक्ट मैचिंग पूछी गई है करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर पेपकेस के लिए दिया हुआ है मैग्नीशियम आयन रुबेस्को के लिए लिया मैग्नीज एल्कोहल डिहाइड्रोजीनियस के लिए जेड एन प्लस टू और परऑक्सीडेज और नाइट्रोजीनियस के लिए पोटेशियम आयन क्या सही होगा कौन सी मैचिंग सही है यस सुमित वेरी गुड इवनिंग कौन सी मैचिंग सही है विच मैचिंग इज करेक्ट तो पेपकेस के लिए मैग्नीशियम ये एकदम सही है रोबेस्को के लिए भी मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम होना चाहिए था तो ये गलत हो गया एम जी प्लस टू और एल्कोहल डी के लिए जेड एन प्लस टू ये एकदम सही है और नाइट्रोजीनियस के लिए ये पोटेशियम नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए था मोलिबिनम होना चाहिए था परसिडेस के लिए आयरन तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या हुई दो मैचिंग्स करेक्ट है ओनली टू मैचिंग्स आर करेक्ट यस yes, करेक्ट हाफिजुर रहमान पेपकेज एज किस में होगा सी फोर या सी थ्री सी फोर प्लांट में या सी थ्री प्लांट में किस में होगा पेपकेज एंजाइम पेपकेज एंजाइम किस में है हाफिजुर गुड सी फोर प्लांट में सी फोर में हमारा पेपकेज एंजाइम है और रुबेस्को होगा सी थ्री और सी फोर दोनों में नेक्स्ट क्वेश्चन द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज सूडोमोनास कोट कन्वर्ट डीनाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सूडोमोनास क्या करेगा नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट्स को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में नाइट्रेट्स टू अमोनिया क्या करेगा तो यहां पर नाइट्रेट से नाइट्रेट से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्जन होगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सुडोमोनास और थायोबैसिलस थायोबैसिलस ये दो हैं और ये कैसे होंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है ये दोनों बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक किस टाइप के बैक्टीरिया हैं ये नहीं समीर ये हैट्रोट्रॉफिक ये हेट्रोट्रॉफिक है कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग कौन सा होगा जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट को नाइट्रेट में और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 201 पेज नंबर 201 से नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन प्लस एट इलेक्ट्रॉन्स प्लस एट एच 16 एटीपी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन सिक्सटीन एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब इक्वेशन रेफर्स टू किसके लिए ये नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पॉलीमराइजेशन के लिए या रिडक्टिव अमाइनेशन के लिए यस करेक्ट निधि यस, yes, करेक्ट अखिलेश, यस yes, समीर यस अफीज़ुर यस आदिल हसन यस yes, सोनम शर्मा यस आयुष ऑल ऑफ योर करेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेक्ट तो, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिकसेशन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है वॉट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यस निधि गुड तो ये अमोनिया है अमोनिया इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड? कितनी एटीपी रिक्वायर्ड है एक अमोनिया के लिए एक अमोनिया के लिए एक अमोनिया प्रोड्यूस होगी तो कितने एटीपी रिक्वायर्ड है यस सोनम करेक्ट यस निधि करेक्ट यस हफिजुर, यस आदिल करेक्ट एट एटीपी एट पर अमोनिया अगर पूछा जाए सेम क्वेश्चन नाइट्रोजन के लिए पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड अगर ये क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए ये सदिल गुड सिक्सटीन ए तो ये क्वेश्चन देखो नाइट्रोजन यहां पर कितने सिक्सटीन ए और अगर पर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस पूछा जाएगा तो दो के लिए दिया हुआ सिक्सटीन इसलिए एट तो नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा सिक्सटीन एटीपी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बायोटिन बायोटिन क्या है आयरन कंटेनिंग विटामिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग विटामिन क्लोरीन कंटेनिंग विटामिन बायोटिन क्या है वॉट इज बायोटिन यस करेक्ट करेक्ट गोपाल कृष्ण करेक्ट निधि यस सोनम यस कैसा रजा यस जैसिका गौतम यस अखिलेश यस अफेजूर यस ऑल ऑफ यूर करेक्ट यस सल्फर कंटेनिंग विटामिन और ये कौन सा विटामिन है बायोटिन इज विटामिन ऑल्सो नोन एज विटामिन यस कैसा रजा गुड विटामिन बी सेवन विटामिन बी सेवन थायामीन नहीं थायामीन तो विटामिन बी वन है थायामी इज विटामिन बी वन बी वन है विटामिन बी वन इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है अच्छा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से हैं सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से हैं अमाइनो एसिड्स दैट कंटेन सल्फर अमाइनो एसिड्स दैट कंटेन सल्फर कौन से हैं विच अमाइनो एसिड्स कंटेन सल्फ़र कौन से अमाइनो है? एसिड्स हैं जिनमें सल्फर है

यस yes. तो ये किसकी वजह से नाइट्रोजन सल्फर मोलिबिनम पोटेशियम और जिंक मैग्नीज मैग्नीशियम और आयरन तो यहां पर आयरन दिया हुआ है करेक्ट नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट टेन टू अपियर फर्स्ट इन यंग लीव्स पहले ये यंग लीव्स में आते हैं इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली ए मोबाइल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल डिफिशियंसी वुड शो सच सिमटम्स तो इम मोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं कौन सा है जो यंग लीव्स में सबसे पहले डेफिशियंसी शो करेगा यस कैल्शियम एंड सल्फर तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है स्ट्रक्चरल एलिमेंट करेक्ट तो कैल्शियम की डेफिशियंसी सबसे पहले यंग लीवस में और मोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं मोबाइल एलिमेंट्स कौन से रेपिडली मोबाइल कौन से एलिमेंट्स रैपिडली मोबाइल आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं? एनसीआरटी में कौन से रैपिडली मोबाइल एलिमेंट्स दिए हुए हैं? जिनकी डेफिशिएंसी नाइट्रोजन मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रोजन मैग्नीशियम पोटेशियम इन सी फोर प्लांट्स प्लाज्मोडेमेटा आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ C4 फोर प्लांट्स में प्लाजमोडेस्मेटा का यूज किसमें होगा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है फिक्सेशन फिक्सेशन के बाद होता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट किसका होगा C4 का C4 फोर एसेड इसका होगा डिकारबोक्सी डिकारबोक्सिलेशन से यहां पर क्या बनेगा C3 थ्री एसेड इसका होगा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के बाद फिर रीजनरेशन यस yes, करेक्ट तो C4 फोर एसिड फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीत सेल मीजोफिल में फिक्सेशन पर होता है मीजोफिल सेल्स में मीजोफिल सेल्स में फिक्सेशन होता है बनेगा क्या मिक्सो फिक्सेशन के बाद पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा मीजोफिल सेल्स में फिक्सेशन के बाद सबसे पहले क्या बनेगा ऑक्जेलो एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यह किस में कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा आएगा बंडल शीत सेल्स में बंडल शीत सेल्स में इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा सी थ्री साइकिल से फिक्सेशन होगा सी थ्री एसिड बनेगा और सी थ्री जो होगा ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ आ जाएगा मीजोफिल सेल्स में तो ए एंड डी इज करेक्ट सी फोर एसिड फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीत सेल्स एंड सी थ्री एसिड फ्रॉम बंडल शीत सेल्स टू मीजोफिल सेल्स ए एंड डी करेक्ट हंड्रेड सेवन क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर है हमारा दो सौ उन्नीस एन सी आर डी वन टू हंड्रेड नाइन एनसीआरडी वन पेज नंबर टू हंड्रेड नाइनटीन एसर्शन दिया हुआ है सी फोर प्लांट्स आर मोर एफिशियंट देन सी थ्री प्लांट सी फोर प्लांट्स ज्यादा एफिशियंट हैं सी थ्री प्लांट से एन सी फोर प्लांट फोटो रेस्पिरेशन एबसेंट एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देन सी थ्री प्लांट C4 फोर प्लांट में फोटो रेस्परेशन एबसेंट है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है C3 प्लांट कौन सा सही है यस yes, करेक्ट तो यहां पर बोथ रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन C4 फोर प्लांट ज्यादा एफिशियंट है C3 थ्री प्लांट से यह भी सही है और C4 फोर प्लांट ज्यादा एफिशियंट क्यों है क्योंकि फोटो नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म इनके पास है चीफ क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स चीफ क्राइटेरिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए एब्सोल्यूट नेसेसरी होना चाहिए और हाईली स्पेसिफिक तो इन द एबसेंस ऑफ एलिमेंट डू नॉट कम्पलीट देयर लाइफ साइकिल और द सेट द सीड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व तो ऑल ऑफ द और क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था आर्न एंड स्टाउट ने ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ़ कीटो एसिड अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा अमाइनो एसिड से कीटो ग्रुप में कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड तो इसको क्या बोला जाएगा अमाइनो ग्रुप अगर ट्रांसफर हो अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होगा कीटो ग्रुप कीटो एसिड में तो इसको क्या बोलोगे फेट ऑफ अमोनिया में है ये ट्रांसमाइनेशन दिस इज ट्रांसमाइनेशन अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होगा कीटो एसिड में तो इसको बोला जाता है ट्रांसमाइनेशन वॉट इज थायमीन? थायमीन क्या है सल्फर कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरस कंटेनिंग विटामिन फॉस्फोरस कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस या सल्फर कंटेनिंग विटामिन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इलेवन यस तो ये है, दिस इज सल्फर कंटेनिंग विटामिन तो सल्फर किस किस में प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट है विटामिन में प्रेजेंट है और और किस में? अमाइनो एसिड्स में विटामिन में और किस में सल्फर सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन यस कोइंजाइम्स एंड फेरेडॉक्सिन करेक्ट कोंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन फॉर एट्स एक्शन नॉट नाइट्रोजीनियज रिक्वायर्स नाइट्रोजीनियस में क्या जरूरत पड़ती है हाई इनपुट ऑफ एनर्जी लाइट मैंगीज सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स नाइट्रोजीनियस के लिए क्या जरूरी है नाइट्रोजीनियज क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ट्वेल्व यस करेक्ट करेक्ट निधि करेक्ट सोनम करेक्ट जैसे यस करेक्ट कैसा रजा यस आफेजुर हाई इनपुट ऑफ एनर्जी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी 16 एटीपी 16 एटीपी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू न्यूट्रियट मीडियम कल्चर सक्सेसफुल कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इज डन सच एज न्यूट्रियट मीडियम का यूज करके हाइड्रोपोनिक्स मैथड सक्सेसफुल कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स हाइड्रोपोनिक्स किसमें यूज किया जाता है यस करेक्ट टोमैटो सीडलेस कोकुम्बर लेट्यूस हाइड्रोपोनिक्स सबसे पहले किसने किया था हाइड्रोपोनिक्स किसने शुरुआत की थी सने दिया था ये हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स किसने दिया था दिस इज सॉइल कल्टिवेशन यूलियस वक्स करेक्ट जूलियस वक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल सल्फर इज नॉट प्रेजेंट इन कोडोक्सिन प्लांट्स ऑप्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस डेफिशियं सिम्टम फर्स्ट एपियर इन ओल्डर टिश्यूज वेन एवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवलीक्ट ऑप्शन करेक्ट तो मैग्नीशियम क्या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल तो यहाँ पर कौन किस फॉर्म में होता है mg2+ के फॉर्म में या मैग्नीशियम के फॉर्म में आयन के फॉर्म में या नॉन आयनिक फॉर्म कौन से फॉर्म में होगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम किस फॉर्म में होगा मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ mg2+ या mg क्या सही है गलत तो इट इज प्रेजेंट नॉन आयनिक फॉर्म मैग्नीशियम फॉर्म एम के फॉर्म में होगा सल्फर इज नॉट प्रेजेंट ये गलत दिया हुआ सल्फर प्रेजेंट होगा को में में और फेरेडॉक्सन में प्लांट्स ऑप्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस नहीं ये फेरिक होगा एफ ई प्लस थ्री डेफिशंसी सिम्टम फर्स्ट अपियर इन ओल्डर टिश्य वेन एवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इम मोबाइल तो इम मोबाइल जब होंगे तो ये ओल्डर में नहीं यंगर में तो ओनली क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट Cells, respectively. कितना होगा? तो पर अगर C4 फोर प्लांट लिखा होगा तो ज्यादा सही है C4 फोर प्लांट अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा टेक्निकली करेक्ट होगा वैसे ऑप्शन कुछ दिया नहीं है तो इसके हिसाब से भी अगर आपने किया होगा तो आंसर वही आएगा यस करेक्ट तो पर कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एटीपी कितना है तीन एनएडीपीएच कितना है कितने हैं दो पर कार्बन डाइऑक्साइड और सी फोर साइकिल में वन टू जीरो तो यहां पर पूछा गया ऑफ नंबर यूटिलाइजेशन इन मीजोफिल सेल मीजोफिल सेल में और बंडल शीत सेल में तो मीजोफिल सेल में जहां पर रीजनरेशन होगा वहां पर C4 फोर सब पाथवे में C4 फोर पाथवे में कितने ए टी पी दो ए टी पी और बंडल शीत सेल जहां पर C3 थ्री साइकिल होगी C3 थ्री साइकिल कहाँ पर होगी बंडल शीत सेल में ये होगी मीजोफिल सेल्स में यहां पर तीन ए तो टू इज टू थ्री क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फिफ्टीन नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है मैग्नीशियम आइन आर एन एन डी एन ए सिंथेसिस एस टी पी एनर्जी करेंसी आयरन क्लोरोफिल क्लोरिन एन आइन कैटाइन बैलेंस इन सेल्स कौन सा सही है यस जैसे गौतम यस करेक्ट हाफिजुर यस एस टी पी एस टी पी इज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर क्या होगा ए टी पी ए टीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल अच्छा ए टी पी में नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स कितने नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स इन ए टी पी इज ए टी पी में नंबर ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स कितने ए टी पी में हाई एनर्जी बॉन्ड्स कितने यस अफेजोर यस जैसे का करेक्ट ओनली टू टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स तीसरा वाला जो होगा नॉर्मल बॉन्ड है एनर्जी करेंसी करेक्ट आयरन जो होगा वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए क्लोरिन एनाइन कैटाइन बैलेंस के लिए और मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर आर एन एन सिंथेसिस रेस्ट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट 117 मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन मैंगनीज सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन जिंक रेडॉक्स रिएक्शन कॉपर पॉलिन जर्मिनेशन बोरॉन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो बोरॉन किस में रिक्वायर्ड होता है पॉलिन जर्मिनेशन में कॉपर का यूज किस में रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक किसमें सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में और मैग्नीज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर 117। यस करेक्ट फर्स्ट ए इज फोर्थ बी इज फर्स्ट सी इज सेकंड एंड डी इज थर्ड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज के अलावा और कौन सा एलिमेंट है मैग्नीज के अलावा और क्या इन्वॉल्व है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैग्नीज के अलावा और क्या है अपार्ट फ्रॉम मैग्नीज यस सुमन कुमारी करेक्ट क्लोरीन मैग्नीज एंड क्लोरीन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम टू और फोटोसिस्टम वन किससे एसोसिएटेड है फोटोसिस्टम टू से या फोटो सिस्टम वन से दिस इज एसोसिएटेड विद फोटोसिसम टू और फोटो सिस्टम वन Yes, good. Photosystem 2. Next, amass the following columns nitrogen reduction, frankia rod shaped bacteroids, nitrobacter. Question number 118. <coughs> the nitrogen red reduction, frankia alnus, rod shaped bacteroids divide the in डिवाइड इन द इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स नाइट्रोबैक्टर दिस इज कीमोटोट्रॉफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये रॉड शेप बैक्टीर डिवाइड द इन द इनर फ्रेंकिया इज एल और नाइट्रोजन रिडक्शन ये नाइट्रोजिन यस करेक्ट तो यहां पर फर्स्ट which of the following is incorrect for nitrogen cycle nitrogen cycle kala konsa incorrect nitrogen is most prevalent element in living organism nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem nitrogen exists as two nitrogen atoms joined by very strong triple electrovalent bond lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxide यस yes. तो यहां पर दो ऑप्शन हैं एक तो ये नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम ज्वाइन बाई वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहां पर गलत दिया हुआ है नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रेवलेंट मिनरल एलिमेंट होना चाहिए था तो ये सही था मिनरल एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर थर्ड होगा अगर यहाँ पर मिनरल एलिमेंट कर दिया जाए तो ये सही है नाइट्रोजन इन मोस्ट प्रेवलेंट मिनरल एलिमेंट वैसे सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज मोस्ट देन कार्बन देन नाइट्रोजन देन कैल्शियम कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं क्या है लाइट एंड सुटेबल टेम्परेचर क्लोरोफिल एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड तो फैक्टर्स जो होंगे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल यहां पर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल दिए हुए हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट टेम्परेचर वाटर सीओ टू यस तो यहां पर ऑल ऑफ दिस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर्स तो इंटरनल फैक्टर्स हम लोगों को पता है नंबर है नंबर ऑफ लीव्स साइज ऑफ लीव्स एज ऑफ लीवस और ओरियंटेशन ऑफ लीव्स और मीजोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट क्लोरोफिल ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है और इंटरनल सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन जो आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं yes, यस 121 इज थर्ड करेक्ट इंटरनल सीओ टू कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर सिमिलर बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक तो नॉन साइक्लिक में क्या क्या बनता है नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी एनएडीपी बनेगा एन और ए टी पी वेयर एज इन साइक्लिक साइक्लिक में क्या होगा सिर्फ ए टी पी सिमिलर पूछे गए यस ओनली ए टी पी इज कॉमन ओनली ए टी पी ए टी पी और एन ए डी पी टू एच प्रोडक्शन तो कॉमन है नहीं नंबर ऑफ़ एन ए डी पी टू एच ये भी कॉमन नहीं है और नंबर ऑफ ए टी पी प्रोडक्शन भी कॉमन नहीं है नंबर ऑफ ए टी पी प्रोडक्शन भी ओनली बी क्योंकि जो एन ए डी पी टू एच बनेगा ये भी ए टी पी जेब में जनरेट करेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन फोटोलिसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फोटोट्रॉपिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथिस इज कॉल्ड इसे क्या बोलते हैं नॉन yes, साइक्लिक में ज्यादा बनेगा करेक्ट पलक यस yes. तो फोटोलेसिस ऑफ वाटर लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होगा इसलिए फोटोलेसिस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पर इन्वॉल्व होगा सोलराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सुड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी क्लोरोफिल इज फॉर्म ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी यूज की जाएगी तो फोटोसिंथेसिस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्यों डिक्रीज होती है ड्यू टू डैमेज ऑफ क्लोरोफिल इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा यस करेक्ट हाफुल यस निधि यस जैसिका यस आशीष यस मनोज राणा यस करेक्ट करेक्ट अजीत सिन्हा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द दैलाकॉइड एंड कंज्यूम्ड बाय रिएक्शंस इन द स्ट्रोमा कौन से हैं प्रोड्यूसड बाई रिएशन दैट टेक प्लेस इन दैलाक्वाइड्स एंड कंज्यूम्ड बाई रिएशन इन द स्ट्रोमा कौन से होंगे थैलाक्वाइड्स में प्रोड्यूस होंगे और कंज्यूम होंगे स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन डार्क रिएक्शन यस एटीपी एंड एनएडीपी टू वेच तो इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है कौन सी पावर ए टी पी प्लस एनएडीपी टू एच इसको मिला करके क्या बोलेंगे विच पावर इनको मिला करके कौन सी पावर यस एसिमिलेटरी पावर करेक्ट एसिमिलेटरी पावर और एनए डी पी टू एच को क्या बोलते हैं एन ए डी पी टू एच को अकेले क्या बोलेंगे एसिमिलेटरी पावर इसको बोलते हैं इनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और एन ई टू एच को क्या बोलेंगे यस रिड्यूसिंग पावर करेक्ट जेसिका गुड दिस इज रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल रिडक्शन में यूज की जाएगी हाइड्रोजन अपना ही डोनेट करेगी रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल नेक्स्ट इन C4 इनिशियल एंड फाइनल कार्बन डाइऑक्सा टेक्स प्लेस इन विच सेल रिस्पेक्टिवली C4 फोर प्लांट में एक होगा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और दूसरा होगा सेकेंडरी तो कौन सा कहां पर होगा इनिशियल और फाइनल इनिशियल और फाइनल कहां पर होगा यस yes. तो इनिशियल होगा मीजोफिल सेल में और इनिशियल कौन सा होता है सी फोर पाथवे से या सी थ्री पाथवे से इनिशियल किससे होगा सी4 पाथवे से या सी3 पाथवे से इनिशियल किससे होगा सी4 से या सी3 से कौन सा पाथवे इन्वॉल्व होगा आंसर सही है इनिशियल मेसोफिल सेल्स में और फाइनल वाला होगा बंडल शीथ सेल में यस करेक्ट करेक्ट तो इनिशियल वाला होगा सी4 पाथवे प्रोडक्ट क्या बनेगा का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और ये किस में कन्वर्ट होता है ये कन्वर्ट किस में होगा ऑक्जलो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू यस मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड करेक्ट और ये कन्वर्जन कहां पर होता है मैलिक एसिड और एक्सपार्टिक एसिड और ये कन्वर्जन कहां पर होगा दिस कन्वर्जन विल टेक प्लेस ऑक्जो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनेगा ये कन्वर्जन कहां पर होगा मीजोफिल सेल में या बंडल शीत सेल में में होता है या बंडल शीत सेल में होता है यस इन द मीजोफिल सेल्स इट सेल्फ करेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथिस तो फोटोसिंथिस का जो ज्ञान हम लोगों को मिला है जिसकी हिस्ट्री है उसमें किन साइंटिस्ट का योगदान नहीं है नॉट इन्वॉल्व पूछा गया है नॉट कौन से हैं यस करेक्ट तो जैकब एंड मोनॉड इनका लैक ओपरॉन मॉडल था दे इल्यूसिडेटेड लैक ओपरॉन मॉडल पॉल एलरिज का क्या था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन की सबसे पहले खोज की थी सर्कुलेशन तो दो हैं सी और डी जिनका कंट्रीब्यूशन है ए बी एंड ई इज नॉट इन्वॉल्व Not involved, पूछा गया है ए बी एंड ई वॉन नील ने किन ऑर्गेनिज्म का यूज किया था वॉन नील ने किन ऑर्गेनिज्म का यूज किया था इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो कहां से आती है वॉटर से वॉन नील का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इन्होंने बताया था ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम वॉटर यस गुड जयश्रिका करेक्ट यस अफेजूल करेक्ट ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया करेक्ट अच्छा इसमें हाइड्रोजन डोनर कौन होता है हाइड्रोजन डोनर कौन सा एलिमेंट कौन सा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन डोनर कौन सा है ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर क्या है यस करेक्ट डॉक्टर करे यस जैसिका गौतम यस अफेजोर आशीष वाटर नहीं एस टू एस एस टू एस इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो करेंगे वो कौन सी होगी ऑक्सीजनिक या अनऑक्सीजनिक ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे या एनॉक्सीनिक फोटोसिंथेसिस ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस या एनॉक्सीनिक कैसी फोटोसिंथेसिस यस ओके आशीष यस एनऑक्सीजनिक करेक्ट करेक्ट एनऑक्सीजेनिक नेक्स्ट हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू सी फोर प्लांट C4 प्लांट के रिस्पेक्ट में कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं पेपकेज मीजो फॉस्फोइनोल कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर कैलविन मीजोफिल सेल्स कितनी मैचिंग्स करेक्ट है विद रेफरेंस टू सी फोर प्लांट तो फॉस्फोइनोलॉल पायरोड ये चार कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं है तीन है इसमें ऑक्जेलो एसेटिक एसिड ये प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है सी फोर में फर्स्ट प्रोडक्ट इन सी फोर कैल्विन पाथवे टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल्स फॉस्फोइनॉल पायरोक्सीज तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट यस ओनली वन इज करेक्ट मीजोफिल सेल्स में ये पेपकेज एंज ये सही है कैलविन पाथवे कहा होगा बंडल शीत सेल्स में बंडल शीत सेल्स इनकरेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो सिग्निफिकेंस नहीं है ऑर्गेनिक मैटर विद्प ऑफ सोलर एनर्जी इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन तो यहां पर इक्वेशन क्या है सिक्स टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ और ये क्या बनाएगा सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स वाटर तो यहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होगी 129 ट्वेंटी नाइन यस ऑल नहीं है इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन लिखा हुआ है कंज्यूम नहीं ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन इज रिलीज थर्ड नेक्स्ट मॉल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसमें क्या है अगर लीफ को टेस्ट ट्यूब में रखा गया और इस टेस्ट ट्यूब में क्यूएच सोक्ड कॉटन रखा गया क्यूएच क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी जब इसको स्टार्च के लिए टेस्ट किया जाएगा तो ये बाहर जो है ये पॉजिटिव देगा जो अंदर था वो निगेटिव देगा इससे पता क्या चला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस यस करेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट द सम टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो जो करेक्ट इक्वेशन थी वो ये वाली थी सिक्सू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स वाटर पहले इससे जो था उसमें सिक्स एस टू था ये वॉन नील के बाद इक्वेशन चेंज हुई थी तो इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए बारह, एक छ प्लस छस थर्टी वन करेक्ट स वन थर्टी वन का आंसर भी वन थर्टी वन करेक्ट नेक्स्ट फिक्सेशन ऑफ थ्री कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर इन कैलवन साइकिल तो कैलवन साइकिल के लिए फॉर्मूला क्या है डी पी एच ये पर कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल के लिए तीन ए और दो NADPH एच तो तीन के लिए यहां पर पूछा गया है तो so, क्या होगा तीन के लिए कितना होगा यस गुड यस सुमन यस निधि यस आशीष यस आफेजोर यस yes, डॉक्टर ग्रे यस yes, नूरी करेक्ट यस ऑल ऑफ यू करेक्ट तो यहां पर छीपीएच और नो ए टी पी नेक्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस वाटर इज रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड वाटर इज रिड्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कार्बन एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज बोथ सी ओ टू एंडल्व सी सिक्स प्लस वाटर तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है सी ओ टू का रिडक्शन हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए है वाटर वाटर का क्या होगा ऑक्सीडेशन इसने क्या किया ऑक्सीजन बनाया है हाइड्रोजन डोनेट किया तो इसका ऑक्सीडेशन और सीओ टू का रिडक्शन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो रेस्पायरेशन फोटोरेस्पायरेशन अगर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट परिसोम तो फोटो रेस्पायरेशन कहां पर क्लोरोप्लास्ट देन देन पर फोटोरेस्पायरेशन में दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे कौन कौन से एक होता है एसिड दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है यस ऑल ऑफ दीज इसका आंसर एकदम सही है ऑल ऑफ दीज करेक्ट दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होगा जो फोटोरेस्पायरेशन में बनेगा यस yes, फॉस्फोग्लाइकोलेट करेक्ट यस फॉस्फोग्लाइकोलेट अदर मॉलिक्यूल इज फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फोगलाइकोलेट और ये कितने कार्बन का होगा इसमें कितने कार्बन हैं फोटो रेस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज सी टू साइकिल सी थ्री साइकिल सी फोर साइकिल क्या बोल सकते हैं यस टू कार्बन गुड तो इसको सी टू साइकिल भी इसीलिए C2 साइकिल क्योंकि फॉस्फोगलाइकोलेट में कितने हैं दो कार्बन है टू कार्बन नेक्स्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ कैलविन साइकिल कैलविन साइकिल का करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज क्या होगा करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कैल्विन साइकिल सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल यस गुड करेक्ट तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन देन रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन रिडक्शन वाले स्टेप में कितने ए और कितने एनएडीपीएच रिडक्शन वाले स्टेप में कितने ए और कितने एनएडीपीएच कैल्विन साइकिल में कैल्विन साइकिल में अगर पूछा जाए पर कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज हो रहा है कैलविन साइकिल में सिंगल कैलविन साइकिल कितने ए और कितने एनएडी यस डॉक्टर ग्रे गुड सुमन वन वन नहीं टू ए टी पी एंड टू एन यस टू ATP एंड पी एच तीसरा वाला जो होता है वो रीजनरेशन में रीजनरेशन में ओनली वन ATP पर कार्बन डाइऑक्साइड ये सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आई पार्टनर डॉक्टर हरिओम सर आइए सर थैंक यू सर जो यू। सभी लोगों हाथ जोड़ करके नमस्कार भैया गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू सेशन में और आज के इस न्यू सेशन में हम लोग जो है इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज के पेपर का सर जो ये क्वेश्चन नंबर है बहुत वेरी वेरी वेरी, वेरी गुड इवनिंग बेटा जयसिका गौतम गुड इवनिंग नित्या वर्मा सो सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग बेटा जी चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर सर क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स है विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिफरेंस टू द फिगर कह रहा है कि फिगर आपके सामने दिया गया है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है सर तो पहला यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है कह रहा है डायग्राम डायग्राम्स ओ द इन्फ्लोरिसंस सर इन्फ्लोरिसंस क्या होता है इन्फ्लोरिसंस क्या है राइट डाउन करिए सर हाँ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सेस तो ये तो गलत हो गया सर ये तो लिप दिख रहा है डायग्रोम पालमेट्री कंपाउंड सर ये भी नहीं तो सिंपल लीव. सिंपल लीव हो सकता ये दोनों कंपाउंड लीफ के टाइप है और सिंपल लीफ में क्या होता है लेमिला इंटायर होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेमिना है वो इंटायर लेमिना तो आंसर जाएगा हमारा थर्ड ठीक है सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सारे बच्चों का सही हो गया क्वेश्चन वन थर्टी सेवन सर क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते बच्चों वन थर्टी सेवन क्वेश्चन क्या कर बिच आर फॉलोइंग मैच इज इन सर इनकरेक्ट मैच को देखना है फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन सर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी है है ना वहां पर वो किस लिए बताई गई थी फास्फोराइलेशन के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए है ना तो यहाँ पर आपका और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो हाँ हो ही नहीं सकता सर कोई मतलब ही नहीं तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया सर कह रहा है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर फास्फोराइजेशन सही है सर जेड स्कीम लाइट रिएक्शन सही है वाटर कॉम्प्लेक्स एकदम सही बात है सर में का जो इनर लेयर था था पर क्या था, था और आउटर साइड में यहाँ पर क्या था पी वन तो यहाँ से जब लाइट पड़ रही थी तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था तो इसको फोटो प्लेसिस होने से बचाने के लिए ल्यूमेन में क्या हो रहा था वाटर ब्रेकडाउन हो रहा था जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था प्लस आपका प्रोटॉन निकल रहा था प्लस आपका ऑक्सीजन निकल रहा था तो आपका जो वाटर स्प्रिटिंग कॉम्प्लेक्स पी टू के पास होता है ये भी सही हो गया तो ऑप्शन यहां पर हमारा क्या जाएगा फर्स्ट जाएगा बच्चों वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द टाइप ऑफ एंजाइम इनवॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन ठीक है तो सीधा सीधा आपका आ रहा है ना? से है आपका है सर ना एंजाइम से आपका जो बायोमोलिक्यूल्टर से सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर हमारा ऑक्सीडो रिडक्टीज हो जाएगा है ना देन इसके बाद आ जाता है हमारे बच्चों की क्वेश्चन कंपनसेशन पॉइंट है ना कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है बेटो कंपनसेशन पॉइंट है सर की रेस्पिरेशन में जितना सीओ टू बन रहा है उतना ही सीओ टू जो है आपके फोटोसेंसिस में यूज हो रहा है यानी कि वो जगह जहां पर सीओ टू इवॉल्व और सीओ टू कंज्यूम बराबर है यानी कि क्या होगा बिंदा रेट ऑफ फोटोसेंसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ना माइटोकॉन्ड्रिया से जो सीओ टू निकल रहा है वो और फोटोसेंसिस में सीओ टू यूज हो रहा है दोनों बराबर है अगर तो उसे हम लोग कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट पहला ही पॉइंट हम लोग को मिल गया है ना? तो आगे भी जाने की जरूरत नहीं लेकिन देख लेते हैं फर्स्ट है, है। हो, हो गया सर है ना तो क्वेश्चन हमारा वन थर्टी नाइन का आंसर हो गया फर्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चा लोगो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर आ जाते हैं बच्चा लोगो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोटोग्राफ दिया गया 140 140 पे 140 जो आपका है 140 139 नहीं हाँ 140 सर सेलेक्ट देखिए छूटता तो नहीं हाँ ठीक है 139 से क्या आ गया, गया सर हमारा 140 आ गया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन डायग्राम तो अब ये देखो जो क्वेश्चन दे रहा है ये दिखा रहा है वेस्कुलर बंडल को वेस्कुलर बंडल हमारी एनसीआरटी में दो टाइप का बताया गया है ना एक वेस्कुलर बंडल था जिसमें बेटा आपका क्या था जाइलम जाइलम और फ्लोएम जो था वो डिफरेंट रेडियस पे था मगर ये जाइलम है ये जाइलम है तो फ्लोएम दूसरी रेडियस पे था तो इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं रेडियल बंडल क्या कहते हैं रेडियल बंडल है ना और ये कहा जाता है रेडियल बंडल कहां पाया जाता है हमारा रूट में पाया जाता है और जब जाइलम और फ्लोएम क्या हो सर सेम रेडियस पे हो जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम कंज्वाइं कहते हैं जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं सर हमारे सेम रेडियस पे है तो उसे हम क्या कहते हैं कहते हैं और कंजॉइंट में दो टाइप थे conjoint में दो टाइप थे साहब में कितने टाइप थे दो टाइप अगर जाइलम जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है तो इसे हम कहते हैं क्या ओपन टाइप और अगर हमारा यहाँ पर कह रहा है सर कर, इनके दोनों के बीच में इनके दोनों के बीच में क्या है जाइलम और फ्लोयम के बीच में अगर कैम्बियम नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्लोज टाइप का सर है ना क्या कहेंगे क्लोज टाइप का बोलेंगे यही तो बोलेंगे ना सर तो अब यहां पर देखते हैं सर ये तो पहली बात तो ये है कि ये जो वैसो बंडल दिया गया वो कैसा दिया गया सेम रेडियस में तो ये कैसा हो गया ये हो गया हमारा कंजॉइंट हो गया सर और अब इनके बीच में देखो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं है सर है ना तो वैस्कुलर बंडल यहाँ पर कैम्बियम रिंग नहीं यहाँ पर कैम्बियम नहीं है सर तो इस वजह से कैसा हो गया सर ये हो गया हमारा क्लोज टाइप का हो गया कैसा हो गया सर ये ये हो गया हमारा क्लोज टाइप का अब देखते हैं रेडियल बंडल गलत है कंजॉइंट ओपन गलत हो गया सर रेडियल बंडल गलत हो गया कंज्वाइंट क्लोज वैस्क बंडल इस टेप में पाया जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा फोर जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फोर्टी वन विच इज ट्रू ड्यूरिंग द फोटो

सास हाँ ठीक है चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं सर कह रहा है यहाँ पे सर कि हमारा हां कह रहा है लिमिटिंग फैक्टर होता है बिल्कुल सही बात एट दिन कह रहा है एट द बिल्कुल सही सही बात बात है है जो जो होगा होगा होगी क्योंकि हर एक factor कैसा चाहिए Optimum चाहिए तो हमारा पर क्या जाएगा Four चाहिए सर है ना ऑल ऑफ आशीष एमबीबीएस कानपुर बहुत अच्छे बच्चों चलिए अब कह रहे सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू कह रहा फंक्शन ऑफ मोगलोबिन इन द रूट नोड्यूल सर लेग हीमोग्लोबिन लेग एंजाइम था जो जो ऑक्सीजन था जैसे हम, कहते हैं. है ना? हम लोगों ने पढ़ा था रूट के कॉटेक्स रीजन में बनता है जो रूट नड्यूल और वहां पर नाइट्रोजिनियस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए लेग हिमोग्लोबिन होता है जो एनआरओबी कंडीशन बनाता है तो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ लेग हिमोग्लोबिन रूट नड्यूल इन द लेग्यूमसिस एक्सप्रेस द Gene गलत हो गया ना इनबिट द नाइट्रोजनियस एक्टिविटी गलत हो गया ऑक्सीजन रिमूवल एक्सप्रेस इन द दूसरा कह रहा है सर गलत हो गया नाइट्रोजन हाँ ऑक्सीजन रिमूवल करता है बिल्कुल सही बात है नोडूल डिफ्रेंसिएशन गलत हो गया तो सर हमारा ऑक्सीजन रिमूवल करता है ये क्या करता है ऑक्सीजन रिमूवल ऑक्सीजन इसके वेंजर होता है

सके साथ जाएगा फर्स्ट के साथ देन इसके बाद कह रहा है सर कैल्विन साइकिल कैलविन साइकिल की बात कर रहे हैं वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सब्सटेंस टू सब्सटेट सब्सटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सब्सटेट ठीक है तो कह रहा है रहे साइकिल में सीक्वेंस कौन सा सही है कह रहा है कीटो कीटोगर ठीक है कीटो होती है थ्री फॉस एंड फास्फेट पहला तो सही है दूसरा देखते हैं तीन कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड Sugar, नहीं गलत हो गया नेक्स्ट नहीं, नहीं तो क्वेश्चन जाएगा? जाएगा, yes. आते हैं सर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है ना पेज नंबर 105 से दिया गया सर है ना मसल्स के ये जो फोटोग्राफ है मसल्स लोकेशन के हिसाब से तीन टाइप के हैं कितने टाइप की तीन टाइप की तो करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो कह रहा है सर आपने ये टाइप ऑफ करेक्ट कनेक्टेड टिश्यू है गलत बात हो गई कनेक्टेड टिश्यू तो तो ये मस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल है टाइप ऑफ न्यूरल टिश्यू है गलत हो गया न्यूरल न्यूरल टिश्यू टिश्यू नहीं सर की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट न्यूरोन होती है टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू है सही है सर टाइप ऑफ मॉडिफाइड एपीथिलियम गलत है मॉडिफाइड एपीथिलियम आपने कौन से पढ़े आपने पढ़ा ग्लैंडुलर एपीथिलियम और आपने पढ़ा था आपने पढ़ा था सर कौन सा सीलेटेड एपिथिल तो आंसर हमारा जाएगा थर्ड वन फोर्टी फाइव का आंसर जाएगा थर्ड के साथ अब कह रहे सर इन विज द फॉलोइंग प्लांट सुपीरियर ओवरी जयगो मार्फिक फ्लावर प्रेजेंट कह रहा है कौन से एग्जाम्पल है जिनमें सुपीरियर ओवरी है और जयगो मार्फिक फ्लावर होता है है, ना? पेज, वो, 146 जो दे रहा है सर पेज नंबर वन फोर्टी सिक्स ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है पेज नंबर पेज नंबर सेवेंटी एट टू एटी वन पेज नंबर से आ रहा है, है ना सर तो यहाँ पर ये हमारा आंसर ल्युपेन भी होता है सोयाबीन भी आंसर सोया क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ

आगे कह रहा है सर गिवेन बिलो डायग्राम कहां से आ रहा है एनिमल किंगडम से सर है ना पेज वन फोर्टी एट जो क्वेश्चन है हमारा एनिमल किंगडम से आ रहा है और ये आ रहा है पेज नंबर वन फोर्टी एट जो क्वेश्चन है पेज नंबर आ रहा है तुम्हारा फिफ्टी से है ना देन यहां पर कह रहा है सर ये क्वेश्चन किसका फोटो है ये फोटो कह रहा है एडमसिया का है आ, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है सी एनिमोन कहते हैं एकदम सही है इसको एडमसिया कहते हैं है, और यह डिप्लो डिप्लोब्लास्टिक होता है तो इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है सर तो एंसर क्या जाएगा फोर जाएगा इन्हीं के पास नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है जो एनकरेज डिफेंस और कैप्चर ऑफ फ्रे करते हैं फोर कह रहा इनमें से कौन से एनिमल है जिनके पास फोर चैंबर हर्ट होता है ठीक है ना सर कह रहा, ये जो जितने से किसके पास है।, रहा सर? है ना ये आपका आ, आ, का मेंबर है फिशेस में टू चैम्बर हर्ट होता है फ्लाइंग फिश गलत सर हाइला हाइला बफो हाइला को ट्रीप ऑफ कहते हैं बफो राना ये तो आपके एम्फीबिया के मेंबर हो गए तो इनके भी कितने चैंबर है थ्री चैम्बर सेलामेंडर, भी आपका थ्री चैम्बर क्रोकोडाइल ये आपका रेप्टाइल का मेंबर है बट फोर चैंबर होता है पिजन बर्ड्स में आता है है ना इसके फोर टाइगर में आता है फोर चैम्बर तो यहां पर कितने हो गए थ्री तो आंसर जाएगा सेकेंड आंसर क्या जाएगा आंसर यहां पर हमारा जाएगा सेकेंड क्लियर है सर तो क्वेश्चन ये वन का आंसर क्या हो गया सेकेंड हो गया देन क्वेश्चन आता है फिफ्टी गिवेन बिलो द टू स्टेटमेंट

दो आपके चैंबर होते हैं साइनस विनोसस से ब्लड इंटर करता है और गिल्स के पास जाकर टिश्यू के पास सिंगल सर्कुलेशन है जो है जो हमारा में आता है, यहां पर डबल इनकम्प्लीट होता है फ्रॉग में डबल होता है क्रोकोडाइल में डबल कंप्लीट होता, होता है तीन लोग हैं क्रोकोडाइल और आपके मेमल्स और बर्ड्स है ना आंसर जाएगा फोर देन कह रहा हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन वन फिफ्टी टू पीसीजी नॉर्मल ह्यूमन बीच वन इट इज द कंपोनेंट करेक्टली

देन uh, आगे देख लेते हैं सर अगला जो यहां पर ऑप्शन है वो देख लेते हैं पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्ड एक आउटपुट गलत हो गया सर वो तो वेटिकुलर डायस्ट्रोल को दिखाता है देन कह रहा सॉरी सर, हाँ पीक पी आर पीक आर टूगेदर सिस्टोल एंड डायस्ट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर गलत बात है सर एंड पीक पी जो है वो क्या कर रहा है इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कंट्रोल गलत बात है सर तो आंसर हमारा यहां पर क्या जाएगा सर फर्स्ट आंसर क्या जाएगा बेटा फर्स्ट देन क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से कितनी मैचिंग्स हैं हैं? जो जो है? करेक्ट में होता है। है। है, सही बात उसमें टू ऑरिकल और वन वेंट्रिकल होता है जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमारा उसमें टू ऑरिकल हैं और टू थ्री चैम्बर टू ऑरिकल्स होते हैं सही है सर

ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन की नैरोइंग हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ सीएडी है ना कार्डियक कार्डियल आर्टरी डिजीज कहती है इसमें क्या होता है आपकी जो ब्लड वेसल है उसका क्या हो जा रही, हो जा रही है तो आंसर क्या जाएगा इसमें फस जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन देन कह रहा है व्हिच फॉलोइंग इज करेक्ट अब कह रहा है कि यहां पर फाइब्रिनोजन दिया है फाइब्रिनोजन कहां पाई जाती है प्लाज्मा में पाई जाती है और ये क्लॉटिंग करती है।, से होती है वो क्या करती है एंटीजेंस को इंगल्फ करती हैं, टाइप WBC, जो होती है बैलेंस करते हैं। ठीक है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन से जाएगा। तो पहले का क्या हो गया दूसरा ठीक तो पहले का दूसरा किसमें है ये तो नहीं हो सकती अब पहला हो सकता दूसरा हो सकता फैगोसाइटोटिक कौन होती है सर फैगोसाइटोटिक जो है वो हमारी कौन सी होती है मोनोसाइट्स होती है तो पहले का क्या हो गया आ, बी का क्या हो गया फर्स्ट हो गया तो बी का फर्स्ट है तो यहां पर बी का फर्स्ट है यहां पर थर्ड हो गया तो ये भी ऑप्शन से हट गया आगे देख लेते हैं सर 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 कह रहा जो होती है रिएक्शन करते हैं बिल्कुल सही बात है एल्बोमिन बैलेंस करती है ये भी सही है तो आंसर क्या हो गया हमारा फर्स्ट हो गया ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 156 सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी exclusively for the circulation of blood and to and from the cardiac muscle. Here, a special muscle of blood vessels is present in our body. A special system of blood vessels present in our body uh, exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. So, there cardio car carotid system. सिस्टमिक सर्कुलेशन कोरोनरी सिस्टम और पल्मोनरी सर्कुलेशन बताइए से बोलो भाई ब्लड फ्रॉम कार्डियक मसल कार्डियक मसल को कौन ब्लड ले जाता है तो वो कार्डियक सिस्टम होता है ना तो कैरोटेड सिस्टम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां ले जाता है हार्ट से ले जाता है अदर बॉडी पार्ट तक है ना देन कोरोनरी सिस्टम हाँ कोरो कोरोनरी सिस्टम और कौन कह रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन ठीक है नहीं सर कोरोनरी सर्कुलेशन होगा कैरोटिड सिस्टम नहीं कोरोनरी सिस्टम कोरोनरी सिस्टम इज द राइट right आंसर कैरोटिड सिस्टम होता ही नहीं सर वो मैं मिसप्रिंट हो गया तो सर यहां पर आंसर क्या जाएगा हमारा कोरोनरी जाएगा दैट इज द थर्ड ठीक है देन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कैरोटिंग टेंडिनी प्रेजेंट इन ओनली कह रहा है, कि, गलत है. है ना? तो कॉर्डर टेंडनी दोनों वेंटिकल में पाई जाती है एकदम सही बात है सर आंसर तो हो गया थर्ड देन क्वेश्चन नंबर 148 फोर्टी ऑफ इरेट इरेट का मतलब क्या है आरबीसी आरबीसी जो होती है ये कहां बनती है रेड बोन मैरो में बनती है और ये स्टोरेज इनका कहाँ होता है स्प्रीन में उसके बाद लाइफ स्पाइन इनका है डेज और उसके बाद ये कहा जाती है स्प्लीन में जाती है स्प्लीन में जाती तो ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं स्प्रीन को कहते हैं लिम्फ नोड नहीं हो सकता ये नहीं हो सकते ये तो आपके सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है ये प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है टॉनसिल्स भी आपके सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है तो स्प्लीन हमारा हो जाएगा यहां पर आंसर दैट इज सेकेंड आंसर देन क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि करेक्ट रूट इज मेकिंग इम्पल्स कि पल्स जो जाती है वो करेक्ट सिक्वेंस क्या है बंडल ऑफ इज ठीक है पुरकिंजे फाइबर हार्ट मसल ये सही लग रहा है मुझे देखते हैं आगे एवे ए बी नोट टू गलत हो गया एबी नोट टू एस नोट गलत है आंसर जाएगा फर्स्ट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट दैट इज द सेकंड Then 150 के बाद आता हाउ मेनी कितनी matchings है जो करेक्ट है सर हाइपर टेंशन सर normal systolic कितना होता है 120, और कितना होता है सर आपका एटी तो यहाँ पर कितना है 160 by 90 है तो ये सही हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम कह रहा है? वन सेवेंटी एम एल होती है गलत हो गई सर ये तो सेवेंटी एम एल होती है ना सर गलत हो गया ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल कितना होता है पॉइंट एट सेकेंड होता है ये पॉइंट जीरो एट हो गया गलत हो गया कार्डेक का आउटपुट कितना है फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड तो पहला और दूसरा सही है कितने सही हो गए दो सही हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन हार्ट आर न्यूरोजेनिक गलत है मायोजेनिक होता है ह्यूमन हार्ट इज द इंटरकलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट सही बात है सर

प्लाज्मा में प्लाज्मा में क्या था सर स्ट्रॉ कलर था और विस्कस था उसमें 92 92 वाटर पाया जाता है और 6 टू 8 प्रोटीन थी उसमें था ग्लोबलिन एलबोमोजन फॉर द क्लॉटिंग ग्लोबिल्स फॉर द डिफेंस फॉर आस, आस्मोटिक बैलेंस ये नीट दो में क्वेश्चन भी आया है किरेटनिन तो नहीं होगा ये तो आपके हेयर्स में पाया जाता तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा फोर जाएगा ये बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन है सर हमारा 162 162 जो क्वेश्चन है हमारा ये आ रहा है पेज नंबर हमारे पेज नंबर 278 से ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड कैपलरी ऑलवेज टू विस फ्लूइड कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल ब्लड और सेल के बीच में तो आपकी कैपिलरीज से आता है कहां पर टिश्यू के पास आता है और टिश्यूज से कहां पहुंचता है लिंफ में और लिंफ जैसे आता है मेजर बेन में तो कहां पर आ जाएगा लिंफ में आता है तो आंसर क्या जाएगा सर लिंफ जाएगा सर है ना आंसर 163 163 जो क्वेश्चन है हमारा उसके आंसर क्या जाएगा लिंफ जाएगा सर आंसर इज लिंफ क्लियर तो 163 क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है पेज नंबर वन टू सिक्सटी टू है ना देन आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन 164 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है किसको ब्रेन को नहीं हार्ट को करती कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है हार्ट को सीधा-सीधा क्वेश्चन है लीवर को नहीं गाल को नहीं आंसर क्या जाएगा हमारा सेकंड देन कह रहा क्वेश्चन नंबर 165 ल्यूकोसाइड ल्यूकोसाइट का मतलब किसकी बात हो रही है डब्ल्यूबीसी है ना ल्यूकोलाइट्स आर आर द द फैगोसाइट सेल डिस्ट्रॉय इंटर इन द बॉडी वो कौन सी हैं जो न्यूकोसाइट को क्या कर रही हैं डैमेज uh, कर रही हैं उसमें कह रहा है सर एक तो न्यूट्रोफिल्स थी और एक मोनोसाइट थी तो न्यूट्रोफिल तो होती है दूसरी कौन सी होती है मोनोसाइट्स होती है ना न्यूट्रोफिल्स कितनी होती हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट और जो मोनोसाइट होती है वो कितनी होती है सिक्स टू एट परसेंट एसनोफिल नहीं बेसोफिल नहीं तो आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट

देन क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जी क्वेश्चन जो है हमारा बीस से पच्चीस परसेंट टोटल डब्ल्यू बीसी ट्वेंटी लिगोसाइड है यानी कौन सी डब्ल्यू बी सी, है? सी है जो टोटल डब्ल्यू बी सी का बीस से पच्चीस परसेंट है तो, तो दैट इज लिम्फोसाइट है ना बेसोफिल आपकी लीस्ट होती है आंसर क्या जाएगा फोर आंसर फोर जाएगा देन जाएगा. इसके बाद कह रहे हैं प्लाज्मा कंटेन विच आर फॉलोइंग मिनरल्स सर प्लाज्मा में सोडियम भी है कैल्सियम भी है मैग्नीशियम भी है क्लोराइड भी है आंसर जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम देन कह रहा है सर यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़ दो तो कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम पल्मोनरी बेन और थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट्स देन कह रहा है यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा है कैरीज़ ऑक्सीज़नेटेड ब्लड ऑक्सीज़नेटेड ब्लड कौन ले जाएगी तो हमने पढ़ा था सर कि हमारा हमारा जो हार्ट है हार्ट में ये हमारा हो गया लेफ्ट राइट राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहां ले जाता है लंग्स में और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में कौन लाता है पल्मोनरी वेन लाती है तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड रखेगी ऑक्सीजनेटिव ब्लड तो बी का हो गया फर्स्ट और लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स करता है इम्यून रिस्पॉन्स करता है या टू ड्रेन द ब्लैक टिश्यू फ्लूगा तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा करेगा इम्यून तो ए का क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा तुम्हारा नहीं ड्रेन uh, अच्छा लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन बैक टू द टिश्यू अच्छा हाँ ठीक लिम्फ क्या करता था ड्रेन बैक कर रहा था ब्लड को यानी का मीडियम का काम कर रहा था तो ए का हो गया थर्ड और बी का हो गया फर्स्ट एंड देन कर रहा है तो ए का थर्ड किसमें है पहले और दूसरे में है ठीक है ये या ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता आप देखते हैं सर यहाँ पे कि थर्म्बोसाइड क्या कर रहे हैं थर्म्बोसाइड जो है इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपके कागुलेशन आप ब्लड कर रहे हैं तो ये करेंगे हमारा क्या कॉगुलेशन आप ब्लड करेंगे और लिंपोसाइड क्या करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे तो आंसर यहां पर हमारा चला जाएगा थर्ड है ना ए का थर्ड बी का फर्स्ट सी का आ, नहीं नहीं ये जाएगा सेकेंड एक मिनट दिक्कत हो गई एक मिनट सर एक मिनट लिम्फैटिक सिस्टम जो हमारा जाएगा लिम्फैटिक सिस्टम जाएगा थर्ड के साथ और बी जाएगा तुम्हारा यहाँ पे आ, बी जाएगा फर्स्ट के साथ और तुम्हारा सी जाएगा थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइट जाएगा फोर के साथ और लिम्फैटिक सिस्टम जाएगा तुम्हारा तो ये अब चला गया तुम्हारा सेकेंड के साथ तो आंसर जाएगा सेकेंड ठीक है थैंक यू सो मच अब सर आगे क्या कंटिन्यू करेंगे हमारे संगम सर गुड इवनिंग बच्चों सुमन कुमारी गुड इवनिंग जेसिका गौतम 163 रिपीट कीजिए आशीष एम चले भाई मिशन को आगे बढ़ाया जाए भाई क्वेश्चन नंबर 171 सेवेंटी वन आइडेंटिफाई ए बी सी गिवन डायग्राम चूज द करेक्ट ऑप्शन बेटा जरा करेक्ट डायग्राम डाइग, को करेक्ट आइडेंटिफाई करके करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए तो देखो भाई सी तो लग रहा है कि भाई ये वेन है ए कैपलरी और बी आर्टरी तो बेटा जो वेन है उसका ल्यूमन होता है वाइट तो हम ल्यूमन को देख के भी लगा देते हैं ये होती है थिन वाल्ड और वाल्व प्रेजेंट होते हैं इनमें से बेटा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड रखता है कौन सा स्ट्रक्चर डी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड रखता है तो ए कैपलरी बी एंड एन वेन तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट बेटा कैपलरी कैपलरी ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड रखती है क्वेश्चन नंबर 172 और ये लिया गया है बेटा पेज नंबर 267 से विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है तो हाइपरटेंशन टेंशन इज कॉस्ड बाई एनीमिया बेटा हाइपरटेंशन एनीमिया से कॉज नहीं होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है ब्लड कपली है और ह्यूमन बींग में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है सो ए ऑप्शन इज फॉल्स बट बी एंड सी डी आर ट्रू सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड यस निधि बी एंड सी कैसर जहां सी आशीषीबीएस सी सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन <laughs> नंबर ah. 173 आउटर कवरिंग ऑफ हर्ट इस बेटा इसमें से आउटर कवरिंग ऑफ हर्ट कहां पाया जाता आउटर कवरिंग ऑफ हर्ट को क्या कहा जाता है तो बेटा जब पाया मैटर की बात करते हैं तो ब्रेन की कवरिंग याद आ जाए मिजोरचियम की बात करें तो टेस्टिस की कवरिंग याद आ जाए पेरिकार्डियम की बात करें तो हार्ट की कवरिंग याद आ जाए और प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो लंग्स की कवरिंग याद आ जाए और हमें हार्ट की कवरिंग की बात करनी है तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड यस द फर्स्ट हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेटा पहली हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है पहली हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है पहली हर्ड साउंड कब प्रोड्यूस होती है थर्ड 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 तो बेटा टीसीवी और बीसीवी जब क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हर्ड साउंड दिखाई सुनाई पड़ती है जिसे हम लोग लब कहते हैं और जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है तो सेकंड हर्ट साउंड सुनाई पड़ती है जिसे हम लोग डब के तौर पर जानते हैं तो फर्स्ट हर्ड साउंड बाई कैस्पिड और ट्राइ कैस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर सुनाई पड़ती है और सेकेंड हैंड साउंड से, सेकेंड हर्ड साउंड सेमी लि वाल सो करेक्ट ऑप्शन 174 सेवेंटी फोर ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन नंबर 175 सेवेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग ए नॉट ग्रेनुलोसाइट बेटा इनमें से कौन ग्रेनो नहीं है इनमें से कौन ग्रेनुलोसाइट नहीं है तो ल्यूकोसाइट्स को दो ग्रुपों में बांट दिया गया ग्रेनुलोसाइट्स और बेटा जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, उन्हें हम लोग एन ई बी के तौर पर याद रखते हैं और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उन्हें हम लोग एल एम के तौर पर याद रखते हैं इन्हें एल के तौर पर याद रखते हैं और पूछा गया इनमें से कौन ग्रेनुलोसाइट नहीं है तो बेटा करेक्ट ऑप्शन मोनोसाइट मोनोसाइट फैगोसाइटिक नेचर रखती है सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए ंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है पेज नंबर टू सेवेंटी नाइन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है तो बेटा न्यूट्रोफिल को सीक्रीट नहीं करती बेसोफिल्स वैसो डायलेटर सीरोटेन नहीं वैसो कॉन्स्टिटर को रिलीज करती है दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट करेक्ट लिंफोसाइड आर सिक्स टू एट परसेंट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉर टोटल होती नहीं तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करी गई तो ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन वन सेवेंटी सिक्स फोर यस, नोड्यूल्स ऑफ द सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एस बेटा सोयाबीन में कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन एक्सपोर्ट होती है सोयाबीन में नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म एक्सपोर्ट होता है यस तो बेटा यूराइड के फॉर्म में और यूराइट्स में नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो हाई होता है ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस थायमिन नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस हैं और यूराइट के फॉर्म में सोयाबीन में नाइट्रोजन ट्रबल करती है रुबिस्को हैविंग हायर एफिनिटी फॉर बेटा रुबिस्को किसके साथ हायर एफिनिटी शो करती है रुबिस्को किसके साथ हायर एफिनिटी शो करती है 178 रुबिस्को हैव हायर एफिनिटी फॉर किसके साथ हायर एफिनिटी शो करती है यस सीओ टू सीओ टू सीओ टू तो 178 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट 179 क्वेश्चन नंबर 179 जो लिया गया है पेज नंबर 210 से कलर ऑफ क्लोरोफिल बी बेटा पेपर क्रोमैटोग्राफी पेपर क्रोमैटोग्राम में हमें तीन स्ट्रक्चर तीन पिगमेंट देखने को मिले थे तो बेटा क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होता है क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होता है एलो एलो ग्रीन ग्रीन एलो ग्रीन एलो ग्रीन एलो ग्रीन बेटा ब्लू ग्रीन कलर ब्लू ग्रीन कलर ब्लू ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए एट्टी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में होती है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में देखने को मिलती है ब्लू एंड रेड मैक्सिमम फोटोसेंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होती है इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें टी डब्ल्यू एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट पर भी फोकस करके रखना है हाउ मेनी कैल्विन साइकिल वुड जेनरेट वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोस एक्सोस बेटा कितनी कैल्विन साइकिल की जरूरत पड़ती है एक ग्लूकोस मालिक्यूल बनाने के लिए एक ग्लूकोस के मालिक्यूल को बनाने के लिए कितनी कैलविन साइकिल तो बेटा एक सीओ टू को फिक्स करने के लिए तीन ए टी पी और दो एन ए डी पी एच की जरूरत पड़ती है और सीओ टू को फिक्स करके सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बनाना है इसके लिए हमें सिक्स टर्न की जरूरत पड़ेगी अठारह ए की जरूरत पड़ती है और बारह एन की जरूरत पड़ती है तो हमें एक ग्लूकोस बनाने के लिए सिक्स कैलविन साइकिल की जरूरत पड़ेगी यस वन एट्टी टू और बेटा वन एट्टी टू क्वेश्चन नंबर लिया गया है पेज नंबर 196 से देखे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय इनमें से कौन माइक्रो न्यूट्रियट नहीं है इनमें से कौन सा माइक्रो माइक्रोन्यूट्रियट नहीं है तो बेटा माइक्रो माइक्रोन्यूट्रियट के लिए हम लोग पढ़ते हैं नाइसिल का नाइसिल का फीमोबॉन्ड मंजन तो ये तो हो गए माइक्रोन्यूट्रिय जिंक है फास्फोरस है मोलिबिडनम है लेकिन बोरान लेकिन 182 एट्टी बोरान है माइक्रोन्यूट्रियट नहीं बोरान मोलिबिडनम फास्फोरस इज नॉट ए कौन पी के कैश मांगे मैक्रो होते हैं कौन के कैश मांगे तो पी माइक्रोन्यूट्रिय नहीं बेटा माइक्रोन्यूट्रियट है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड यस yes, के सर ऑप्शन सी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट बेटा लिग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है कौन श yes, निधिशिना अमोनिया 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 तो बेटा पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो बनता है अमोनिया प्लांट इसे जिस फॉर्म में लेना चाहे तो ये अमोनियम आयन के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड के फॉर्म में भी और एमाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो पहला स्टेबल पार्ट लिग्यूमिनस प्लांट में अमोनिया के फॉर्म में बनता है तो वन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 और 184 लिया गया है पेज नंबर 208 से ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम एच टू ओ नॉट फ्रॉम सीओ टू दिस वाज प्रूव्ड बाय यूजिंग बेटा ऑक्सीजन सी एच टू ओ से ही निकलती है सीओ टू से नहीं निकलती है इसे कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया वन एट्टी फोर बी 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 तो बेटा इस केस को समझने के लिए हम लोग वान नील के एक्सपेरिमेंट को याद करें वान नील के एक्सपेरिमेंट को याद करें और जिस टेक्निक का सहारा लिया गया था इसे रेडियो आइसोटॉप टेक्निक कहा गया था आइसो टॉप टेक्निक कहा गया था और यह पता चला था कि H2O से ही ऑक्सीजन निकलती है तो हम लोग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं तो टेक्निक यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज रेडियो आइसो रिएक्शन सेंटर इन पी एस सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को क्या कहा जाता है तो बेटा फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर होता है पी सिक्स एट्टी और फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर पी सेवन हंड्रेड पर याद रखते हैं जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो स्ट्रोमा लेमली में नहीं देखने को मिलता स्ट्रोमा लैमिली में एब्सेंट होता है यस सो करेक्ट ऑप्शन वन एट्टी फाइव पी सिक्स एट्टी द गिवन बिलो डायग्राम ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू बेटा जो डायग्राम दिया गया है ये डायग्राम किसे बिलोंग करता है यस yes. तो बेटा फिगर को हम लोग पहचान लेते हैं तोता की तरह नजर आ रहा है एविस को रिप्रेजेंट करता है एविस कॉर्डेटा का मेंबर है ये एनिलिडा नहीं काइनोडर्मेटा नहीं मोलस्का नहीं इट इज ए कॉर्डेटा फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें इस करेक्ट स्टेटमेंट को बेटा सेलेक्ट करना है और आज के पेपर का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है आज के पेपर का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों ने इसे गलत किया होगा यस पिस्टेकुला बोलते हैं भाई यस चले भाई चलो ध्यान से देखते हैं भाई इन प्लांट द सेचुरेशन अकर टेन परसेंट मॉडरेट बेटा टेन परसेंट मॉडरेट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती बेटा इट इज केस ऑफ फुल सनलाइट फुल सनलाइट सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सीओ टू एटमोसफियर इस पॉइंट जीरो थ्री टू पॉइंट जीरो फोर तो बेटा कंसंट्रेशन एटमोस्फियर में सीओ टू की इतनी होती है इसे पॉइंट जीरो फाइव तक बढ़ाकर ले जाते हैं रेट ऑफ ऑटोसेंथेसिस बढ़ता है सी थ्री प्लांट ओ सैचुरेशन टू सीओ टू कंसंट्रेशन एट फोर फिफ्टी तो बेटा ये केस एटका नहीं है ये है बियॉन्ड सो सी ऑप्शन इज़ फ़ॉल्स टू बियॉन्ड थ्री सिक्सटी बेटा ये केस बियॉन्ड का नहीं है ये केस अबाउट का है तो अपने पास ए सी डी हो गए फॉल्स केवल बी करेक्ट है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू च वन ऑफ दी विच वन इज आर एच इनकाउंटेबिल मैरिज बेटा आर एच इनकाउंटेबिलिटी कौन शो करता है आर एच इनकाउंटेबिलिटी कहां देखने को मिलती है क्वेश्चन नंबर वन एट्टी एट आर एच इनकाउंटेबिलिटी कहां देखने को मिलती है तो यह केस होता है आर एच निगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव फादर िस इज रिलेटेड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटेलिसिस और इसका असर देखने को मिलता है सेकेंड प्रेगनेंसी में सो आर एच इनकाउंटेबिलिटी मैरिज प्रोबिटेड आर एच निगेटिव फीमेल एंड आर एच पॉजिटिव मेल सो करेक्ट ऑप्शन वन एट्टी एट फर्स्ट नेक्स्ट वन एट्टी नाइन क्वेश्चन नंबर वन एट्टी नाइन पेज नंबर टू एट फोर टू एट फोर तो बेटा पहले तो ए देखें ए हो गया एरोटा बी हो गया वेना कावा सी हो गया एसे नोट और डी हो गया एवी नोट एवी नोट अब जरा करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करें तो ए डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट तो बेटा एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बॉडी पार्ट की बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराता है के सिस्टमिक सर्कुलेशन सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बी कलेक्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट वेना कावा सुपीरियर डिफरेंट बॉडी इ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू सी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इनिशियटिंग में रेथमिक कॉन्ट्रक्ट एल हर्थ बेटा ऐसे नोट मेकर कहलाता है और हार्ट बीट को जनरेट करता है तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू ए कलेक्ट डी ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट ए तो अरोटा है तो बेटा ये डी ब्लड कलेक्ट नहीं करेगी ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं डी फिफ्थ इज डी इज कॉमनली कार्ड एज ए पेस मेकर बेटा डी तो पेस मेकर नहीं एवीएन को हम लोग पेस सेटर कहते हैं सो फिफ्थ ऑप्शन ऑप्शन इज आल्सो फॉल्स सो फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर ट्रू बट फोर्थ एंड फिफ्थ इज फॉल्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट ऐसे नोट कार्ड एज ए पेसमेकर बट एवी नोट कार्ड एज ए पेस सेटर क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी कैस्पिड वाल फाउंड बिटवीन बेटा कैस्पिड वाल किसके किसके बीच में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर लिया गया पेज नंबर टू एट्टी थ्री तो ट्राई कैस्पिड वॉल फाउंड बिटवीन तो बेटा जो हर्ट है इस हर्ट में ये वाला हिस्सा तो अपना हो गया राइट right साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड ये यूरिकल और ये वेंट्रिकल तो राइट साइड में मिलता है ट्राइक स्पीड वाल और लेफ्ट लेफ्ट साइड में मिलता है बाई कैसपीड वाल तो राइट यूरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ही हमें क्या देखने को मिलता है ट्राइ कैस्पीड वाल सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 वन नाइंटी वन विच वन हैज ए टू चम्बर हार्ट बेटा इनमें से किसके पास दो चंबर वाला हार्ट होता है यस yes, बाइक एस्पिट को बेटा मेटरल वाल भी कहते हैं तो देखो भाई टू चम्बर हर्ट मिलता है फिशेस में और इसे हम लोग वेनस हर्ट कहते हैं और ये सिंगल सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो स्नेक फिशेस होती नहीं फ्रॉग फिशेस होता नहीं क्रोकोडाइल फिशेस होती नहीं डॉग फिश कहलाती है और टू चैम्बर हाँ फिशेस सो तो करेक्ट ऑप्शन 191 नाइंटी वन इज ऑप्शन फर्स्ट वन, वन गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट बेटा दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जरा करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें पॉलिन ग्रेन एंड सैक इज ए हेप्लाइड स्ट्रक्चर तो बेटा पॉलिन ग्रेन और egg, एक मेल गेम स्ट्रक्चर है एंथ्रोजॉइट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और सेकेंड भी ट्रू है सो क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी टू करेक्ट ऑप्शन इज बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी थ्री द गिवन डायग्राम इस बेटा जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम को जरा पहचाने और यह डायग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है तो बेटा देखो भाई ये तो पाए गए हैं रूट हेयर है इसलिए ये केस रूट का तो है बट इस वाले स्ट्रक्चर को देखो दो से चार जाइलम पाए जा रहे हैं और अगर दो से चार जाइलम पाए जाए तो बेटा ये केस हो गया डाइकोट का तो जरा देखें भाई ये स्टेम है नहीं ये स्टेम है नहीं और ये मोनोकाट रूट भी नहीं है ये डाइकोट रूट है और एन सी डाइकॉट रूट की जो स्टडी कराती है वो बेटा सनफ्लावर के साथ कराती है सनफ्लावर के साथ कराती है सो वन नाइनटी थ्री करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी फोर क्वेश्चन नंबर 194, नाइनटी फोर बताइए लिया गया है एनसीआरटी फर्स्ट पेज नंबर 42 से गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एलगी एक्सिबिट हैपलॉन्टिक लाइफ साइकिल वैसे तो एलगी तीनों तरह की लाइफ साइकिल शो करती है पर मोस्ट ऑफ द एलगी है लाइफ साइकिल शो करती है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू आल ब्रायोफाइट एंड टेरडो फाइट लाइफ साइकिल सारे ब्रायो टेरिडोफाइट जो होते हैं वो हैप्लोडिपलॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू तो फर्स्ट सेकंड बोथ आर ट्रू सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट द चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल पोटेटो कुकुम्बर एंड टुलिप हाउ मेनी है कितने मेंबर है जिनमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है कितने मेंबर है जिनमें इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी तो देखो भाई इंफीरियर ओवरी रखने के लिए फ्लावर को इपिगनस होना होगा और अगर फ्लावर इपी गाइनस हो गया तो कोकुम्बर भी याद आ जाए गुआवा भी याद आ जाए और रे फ्लोरेट भी याद आ जाए तो अपने पास गुआवा है कोकुम्बर है रे फ्लोरेट गायब है तो कांसर हो गया अपना टू 196 कॉमन करेक्टर ऑफ द मोनोकार्ट एंड डाइकॉट स्टम इनमें से कौन सा कॉमन करेक्टर है मोनोकार्ट और डाइकॉट स्टम में कॉमन करेक्टर ऑफ द मोनोकार्ट एंड डाइकॉट स्टम तो देखो भाई स्टम में वास्तम में प्रोटोजाइलम का जो अरेंजमेंट है वो होता है इंडार्च और रूट में होता है एग्जार्च और केस अपना है डायकॉट इस्टे, स्टेम का वो मोनोकाट हो या डाइकॉट हो दोनों में इंडार्च वास्कुलर बंडल मिलेंगे बुली फॉर्म सेल तो केवल मोनोकारट में पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट में तो मिलेगी पर मोटोकाट में नहीं मिलेगी सो बुली फॉर्म सेल एक्ार्ज प्रोटोजाइलम ये एब्रूट की करैक्टिस्टिक है कॉमन फीचर होगा इनडार्ज प्रोटोजाइलम यस yes, जैसिका गौतम बुलिफॉर्म सेल आल्सो कार्डाइज ए मोटर सेल 197 197 लिया गया है पेज नंबर बेटा 166 से विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर इस फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नन 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 बेटा जो फिगर है ये टीलोफोस को टीलोफेस को रिप्रेजेंट करता है अब टीलोफेस के अकॉर्डिंग देखें तो टीलोफेस में सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता टीलोफेस में सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता मूव स्पेंडल प्रिंट गेट अलाइन अलॉन्ग मेटाफेस प्लेट मेटाफेस प्लेट मेटाफेस में बनती है एनाफ़ टीलो फेस में नहीं सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट सेंट्रोमेयर का टूटना क्रोमेटिड का सेपरेट होना एनाफेस की करेक्टिस्टिक है एनाफेस की करेक्टिस्टिक है तो फिगर तो टीलोफेस को रिप्रेजेंट कराता है तो इनमें से कोई स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है 198 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट हार्टवुड एंड सैप वुड इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम बेटा वुड का कंसेप्ट भी होता है इसे हम लोग सेकेंडरी जाइलम के तौर पर याद रखते हैं सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड होता है पेरीफेरल से होती है. लीप पर नहीं पाई जाती है वुडी स्टम्प पर पाई जाती है So, पहला स्टेटमेंट भी हो गया बेटा फॉल्स और दूसरा भी हो गया फॉल्स तो अब जरा करेक्ट स्टेटमेंट को देखें भाई किसमें दोनों फॉल्स तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन करेक्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 और बेटा ये 199 पेज नंबर 147 से

बॉडी जिन अमीनो एसिड को नहीं बना पाती वो डायट्री सोर्स से लिए जाते हैं सबके सब करेक्ट हैं तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो बेटा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ यस गालिब और आज का आखिरी क्वेश्चन भाई विच आर द फॉलोइंग मेटाबोलाइट है फंक्शन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो वो मेटाबोलाइट जिनका फंक्शन नोन होता है इन्हें हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं तो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड है इसका फंक्शन अननोन है नोन है स्टार्च का भी फंक्शन नोन है स्टोरेज है एनर्जी रिसोर्स के तौर पर भी फूड के स्टोरेज फार्म के तौर पर यूज होगा न्यूक्लिक एसिड का भी फंक्शन नोन है इसलिए ये सब के सब प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं तो करेक्ट ऑप्शन टू हंड्रेड इज ऑप्शन फोर्थ चले भाई तो बेटा ये था आज का सफर उम्मीद है कि पेपर बढ़िया रहा होगा तो बेस्ट ऑफ लक फिर अगले केस के लिए तो आज के लिए इतना ही बेटा थैंक यू सो मच